Hello students, this is our video number 6 on number system. We are discussing today exercise 1.3 of NCERT book. Question number 1, write the following in decimal form and say that what kind of decimal expansion each has. इस क्वेश्चन में हमें जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करना है और हमें ये बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटेड है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड है. ये फ्रैक्शंस हमें इसमें बताने हैं. सो यू कैन डू योर सेल्फ, ओनली डिवाइड इज देयर एंड यू कैन टेल अबाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड. क्वेश्चन नंबर 2, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857. फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन. 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें 2/7 फाइंड आउट करना है, 3/7 फाइंड आउट करना है, 4/7 फाइंड आउट करना है, 5/7 फाइंड आउट करना है एंड 6/7 फाइंड आउट करना है, बट बिना डिवाइड किए. आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना और आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 फाइंड आउट करना है. तो 1/7 को आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2/7 आपको फाइंड आउट हो जाएगा. सो एज वी गेट 3/7 इन सिमिलर वे, 4/7, 5/7 एंड 6/7. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू योर सेल्फ. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. 0.6 bar, 0.47 bar, 0.001 bar. Now in first part repeated block is 6, here repeated block is 7 and here repeated block is 001. In last video I have discussed all of examples in which we have to convert these types of rational number in P upon Q form. So please try it. You can do yourself. Question number 4, same as question number 3, express 0.9999 in form of P upon Q. Are you surprised by your question? With your teacher and classmate discuss why answer makes sense. इसमें भी आपको P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. रिपीटिंग ब्लॉक हमारा 9 है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको जब ये एक रैशनल नंबर मिलेगा आपको P upon Q की फॉर्म में, तो आप सरप्राइज होंगे थोड़ा सा कि ये ऐसे कैसे हो गया. आप उसको सोचिएगा कि ये इस टाइप से क्यों है. अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. 1/17 दैट मीन 1 को 17 से डिवाइड करना है और रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही हैं ये आपको फाइंड आउट करना है. सो यू कैन डू योर सेल्फ. Very easy sum. We have only divide 1/17 और हमें ये देखना है कि repeating block में कितनी digits आ रही हैं या कितनी digit के बाद ये दोबारा से repeat करेगा. तो आप इसे कर सकते हैं question number 5 को. Let's move on question number 6. Look at several example of rational number in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1.
and having terminating decimal expansion. Can you guess what property Q must satisfy? इस क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जांपल्स लेने हैं ऐसे रैशनल नंबर के जो टर्मिनेट हो जाएं, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट हो जाएं। यहाँ पर P अपॉन Q के इस टाइप से एग्जांपल लेने हैं, रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म का होना चाहिए जिसमें P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के अलावा, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और वो टर्मिनेट हो जाए। जब आप चार पांच एग्जांपल लेंगे उसके ऐसे टर्मिनेटेड रैशनल नंबर के, आपको इसमें ये चेक करना है, आपको इसमें ये देखना है कि Q यानी कि डिनोमिनेटर किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 5 इज 0.4 टर्मिनेटेड है तो डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं 4 अपॉन 10 नहीं ले सकते क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर जो है वो 1 से ज़्यादा है। आप कोई और एग्जांपल चूज़ कर सकते हैं, सपोज 3 अपॉन 10 ले लिया, 3 अपॉन 10 कॉमन फैक्टर 1 होगा तो 3/10 इज़ टर्मिनेटेड, आंसर इज 0.3। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, इस तरीके से कुछ आप एग्जांपल्स लेंगे चार पांच जो टर्मिनेटेड रैशनल नंबर हों। आपको डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी देखनी है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो आप इसको करने की कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो फिर हम समझाएंगे आपको। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड नंबर आपने कैसे बनाने हैं, तो एग्जांपल से आप उसको देख सकते हैं और एग्जांपल से आप उसको कवर कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है तो ये आप खुद करेंगे, नहीं होगा आपका अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11। वन एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन दिस टाइप दिस क्वेश्चन, सो प्लीज डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इनमें हमें ये बताना है कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो मैं आपको समझा चुका हूँ रैशनल नंबर कौन से हैं, वी हैव लर्न्ड रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटेड, सॉरी टर्मिनेटेड रैशनल नंबर, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन आर रैशनल नंबर्स, और नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड आर रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड आर इरेशनल नंबर्स। सो यू कैन क्लासीफाई रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज योर एक्सरसाइज 1.3 एंड दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डू दिस, यू कैन नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स दोज हु डोंट हैव बुक्स प्लीज नोट इट डाउन, यू कैन सी इन वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विजुअलाइजेशन, प्लीज डू यूअर होमवर्क, थैंक यू।